ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है कि हमारे पास दो सिस्टम है, उनका मास M1 है और M2 है, ठीक है। और वो M1 को पुश पुश किया टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस d, तो M2 को कितना पुश करें जिससे सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदले है, सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन नहीं बदले, तो हमें कितना M2 को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। यहां मैं एक बार अच्छे से आपको और अच्छे से समझा देता हूं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि हम लोग के पास दो मास है, एक का नाम M1 है और एक का नाम यहाँ पे M2 है, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, यहाँ पे मैं ओरिजिन सेट कर देता हूँ 0.0, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, चलो यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इस क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इनका इसका कोऑर्डिनेट 0.0 हो गया, और ये यहाँ से मान लो x1 डिस्टेंस पर है, तो इस इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मैं लिख दूं xCm। पहले वाले केस में सेंटर ऑफ मास इसका चला गया 0, इसका चला गया x1 m2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द फर्स्ट केस व्हेन दे आर एट सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये जो m2 नाम का पार्टिकल था, m1 नाम का पार्टिकल था, इसको आगे शिफ्ट किया d डिस्टेंस, इसको मैंने d डिस्टेंस यहाँ पर लाया, ठीक है। अब इसको भी मुझे इधर लाना है, और इतना लाना है कि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन नहीं बदलता है यार, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वही है, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको यहाँ लाया, x2 डिस्टेंस इधर लाया, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो d1 हो गया, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x1 माइनस x2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x1 माइनस x2, ठीक है। तो अगेन सेंटर ऑफ मास का फार्मूला अगर मैं लगाऊं, अगेन इन दोनों के लिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगाऊं xCm, पहले वाले केस के लिए और दूसरे वाले केस के लिए, ये यहाँ पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट m1 है और d, इसका कोऑर्डिनेट है m2 इसका मास, और इसका कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये दो हमारे पास अच्छे इक्वेशन आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदला, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट कर दें तो m1 नहीं, ठीक है, यहां से इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो ये x1 m2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और m1d प्लस m2 और x1 माइनस x2 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मासेज m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 ने m1 प्लस m2 को ख़त्म कर दिया, इधर बचा x1 और इधर x1, और आ जाएगा हम लोग पास x1 m2 इज इक्वल टू, उधर से आ जाएगा m1d प्लस m2x माइनस x2 m2, ठीक है। तो ये आ जाएगा m2x1, ठीक है। तो m2x1 ने m2x1 को खत्म कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा x2 m2 इज इक्वल टू m1d, मतलब ये आ जाएगा जो x2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1 m2 upon d, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, मतलब जो x2 है, जो दूसरा वाला मास है, उसको m1 upon m2 d शिफ्ट किया गया होगा, जिससे सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, मतलब जो m1 upon m2, ठीक है।